देखिए कासिफ भाई, पहले तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपके चैनल के आपके माध्यम से आवाम के बीच बात रखने का बहुत ही आसान तरीका है। आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारक हो। ख़ास करके एमपी इलेक्शन की आमद आमद है और उसके अंदर आवामी राय है। मैं एक अदारे का अध्यक्ष अदारे ए स्पोर्ट्स की जानिब से ना के भलके पूरे मालेगांव शहर की जो चाहत है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, बल्कि ये चीज़ें हैं कि जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में अपनी बात चाहे बाबरी मस्जिद की हो, चाहे कोई भी मामले में हो, धड़ल्ले से हर कोई भी मुद्दे पर बात करते हैं। उनकी ताकत बन करके पहुंचने वाले इम्तियाज़ जलील साहब हैं और पूरे मालेगांव धुलिया हलके से अब हमारे मालेगांव शहर के लोगों की चाहत है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का चेहरा वहां पर नज़र आना चाहिए। उसके दो जुमले मेरे ये है कि एकता की जिंदा मिसाल है, तेरा भी खून लाल है मेरा भी खून लाल है, हिंदू मुस्लिम खाते हैं एक थाली में खाना, ये मेरे हिंदुस्तान की जिंदा अनोखी मिसाल है। ये चाहत है ना कि बल्कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को मुसलमान बल्कि हर मज़हब के लोग मानते हैं। और जब बात आती है इंसाफ की तो कहीं ना कहीं इनके दिलों में बात आती है कि ये हलके से अगर 6 हलकों का अगर इलेक्शन भी होगा तो हम अल्लाह तबारक ताला से ये दुआ करेंगे कि बहक जीत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की होगी। उसकी वजह यह है कि चाहे कोई भी कौम के लोग हों, एक मिसाल है औरंगाबाद की। इम्तियाज़ जलील साहब एक अनोखे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इलेक्शन लड़े और ना के हर तबके के लोगों ने उन्हें चुन करके लाया, और ये बहुत ही कामयाबी की एक सीढ़ी है जो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का पार्लियामेंट के लिए अलग अगर नाम जाहिर किया जा रहा है कि वो एक 5 साल जिस तरह गुजारा है इम्तियाज़ जलील साहब, उससे बेहतर तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब पार्लियामेंट में वैसी नुमाइंदगी करेंगे। और लोगों की जो चाहत है, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से हमारी दर्दमंदाना अपील है पूरे मालेगांव शहर की जानिब से कि आप अपना नाम जाहिर करें और आप लड़ें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।